everyone, this is Simran here and you are watching my channel My Big Dreams. Hope you all are doing great. तो ये रही वो सारी पिक्स जो हमने हिना की शादी में ली थी. देखिए कितनी अच्छी लग रही है हिना. तो बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन मैंने थोड़ा ही शूट किया शादी में, क्योंकि हम जब तक गए थे तब तक तो निकाह ऑलरेडी हो गया था. तो सिर्फ जुलवा जो लास्ट में विदाई का मोमेंट रहता है बस वही था. तो तब हम पहुंचे थे. तो चलिए देखते हैं इस छोटे से क्लिप को और एंजॉय करते हैं. आप अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो एक बार ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए गाइस. और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर से जाइए और देखिए. देखिए मैं और नाजू अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए. तो हम दोनों एक्चुअली ट्रेनिंग कर रहे थे और मेरी बहन और जो साथीदार जो मेरी भाभी है वो दोनों एक साथ ट्रेनिंग कर रहे थे. देखिए ये रहा हम दोनों का ड्रेस. तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रील्स ली, इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा. रिसेप्शन में तो मैं नहीं गई गाइस, बाकी सब लोग घर से गए थे, मैं नहीं गई. तो यहाँ हम लोग वेट कर रहे थे कि कब दूसरे उठे और हम जाकर उनकी चेयर्स पर बैठे. तो ये हम लोग वेट कर रहे हैं लंच करने का. देखिए क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे इसलिए हम लोग ऑलरेडी लाइन में खड़े हुए थे कि कब वो लोग उठे और हम जाकर बैठे. ये देखिए मैं मज़र को बस ढूंढ ही रही थी कि वो लंच उन्होंने किया होगा कि नहीं, इसलिए मैं उनको ढूंढ ही रही थी. लेकिन यहाँ आकर देखा तो इनका खाना होकर पूरी जो प्लेट है साफ़ हो गई थी. इनको ऐसा सब नहीं है कि दूसरे नहीं खाए होंगे, ऐसा सब कुछ नहीं. तो मैं वही बोल रही थी. ये रहे मेरे कजिन्स जो मैसूर से आए थे और फाइनली हम लोगों को यहाँ पे सीट्स मिल गई है. देखिए मैं, मेरी बहन नाजू, देन ये भी कज़िन है मेरी, और दिस साइड यहाँ पे बैठे हैं अम्मी के जो है उनके मामी है और उनकी बेटी. देन ग्रीन साड़ी में है मेरी मामी, फिर वो भी एक कज़न है, फिर आप ही बैठी है जिन्हें आपने बहुत सारे ब्लॉग्स में ऑलरेडी देखा होगा. फिर वहाँ पे लास्ट बैठी है सादिका. तो अम्मी तो बातों में बहुत ज़्यादा बिजी थी इसलिए वो हमारे साथ उन्होंने लंच नहीं किया. नेक्स्ट ट्रिप शायद उन्होंने बैठ के लंच किया था. तो हम लोग इतने जो भी इतने सारे लोग हैं वो बैठ के लंच कर रहे थे. तो चलिए लंच स्टार्ट करते हैं. ये रही मायरा. आप लोगों में से किस किस को शादी की बिरयानी नहीं पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना. मुझे भी बिरयानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सिर्फ शादी की. मैं रोटी वगैरह खाती हूँ, रोटी या ब्रेड दूसरा खाती हूँ. देखिए रही अम्मी और अम्मी की खाला. तो उनको तो चेयर नहीं मिली थी तो शायद वो नेक्स्ट ट्रिप में बैठी थी. तो उसके बाद तो हमने लंच करके ख़त्म होके अच्छा से हम लोग यहाँ आकर बैठ गए थे. तो ये रही हमारी ब्राइड गाइस. खाना वगैरह हो गया था तो मतलब लास्ट में जो विदाई करते हैं वो वक्त था तो आराम से लोग सब लोग बैठे हुए थे. तो हम लोग ऐसे ही छोटी मोटी बातें कर रहे थे. ये हिना की जो है मामी और उनके रिलेटिव्स है जो आते आते मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए थे. तो ये दी जो है बहुत ज़्यादा फनी है. इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग मतलब जो भी इन्होंने बातें की है बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ी पर्सनल हो गई है इसलिए मैंने इसे म्यूट कर दिया है. तो ये रही मेरी अम्मी की खाला की बेटियाँ जिनका क्लिप मेरे पास था तो मैंने वो भी ऐड कर दिया. तो उतना ही गाइस, ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं ही खुद
इंस्टाग्राम के रील्स बना रही थी और उसमें बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। तो ये हो गया लास्ट मोमेंट, जो विदा करते हैं वो रहा लास्ट मोमेंट। और हिना ने बेट्स बनी थी एक्चुअली कि वो नहीं रोएगी शादी में अपनी, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं रो रही थी। देखिए मैं सामने जाकर देख रही हूँ कि वो रो रही है या नहीं, तो वो बिल्कुल भी नहीं रो रही थी क्योंकि उनके जो अभी वो शादी होकर गई है उनका घर हस्बैंड का बहुत ही करीब है उनके अम्मी के घर से, तो उतना ज़्यादा उसे ये नहीं है, इसलिए बस इतना ही। गाइस अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये रहा हिना का भाई जो लास्ट में फाइनली जाकर टाइम मिला, तो मैंने ये दूसरा ड्रेस चेंज कर लिया था। वाइट कलर मुझ पे कैसा लग रहा है मुझे तो, मेरा एक्चुअली अगर मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये मेरा पहला ड्रेस होगा।